तो नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं हूँ इलाहाबाद संगम, ये इधर है संगम, आप देख रहे होंगे, और ये है पीछे अकबर का किला और यहाँ पर बस खड़ी हुई है। तो इस समय हम इलाहाबाद में हैं, इलाहाबाद संगम हम नहाएंगे, ये इधर आप देख रहे होंगे, और अतुल भैया संगम में नहाएंगे। तुम फिर काले दिख रहे हैं, तू से बहुत सा कछु ले ले आगो, ऐसा हिसाब है जाए, अगर जाए तुम कछु ना खवाओ ना एक तक बीमार है तो खवा मत रहे ना, क्या थोड़ा ना खवा मत रहे बैग में आके। और अतुल भैया, हां भैया कैसे हाल चाल है? बहुत अच्छा काटा है भैया, पूरी रात सोए, मथुरा वासी है भैया, पूरी रात सोए, पूरे दिन सोए, जब से आए तब से सो रहे सो रहे सो रहे, चक्कर हो ना बस में इतनी जगह नहीं कि मामे हल चला लें तो जबरदस्ती सुनो फटो। पीछे अकबर का किला है और ये संगम, तो हमें तो पार पे जाना ना, मतलब पहले हम फिर नाव में बैठेंगे ना, नाव में तो पहुंचना हमें दूसरी जगह जी। तो अभी अतुल भैया ये कह रहे हैं हम ऊंट पे बैठेंगे, इनको ऊंट पे बैठाऊंगा, इनकी काफी अच्छी इच्छा है, ख्वाहिश है मेरे संगम में जाकर के नहाना, तो नहाऊंगा तो नहाऊंगा या नहीं नहाऊंगा, लेकिन ऊंट पे जरूर बैठना है। एक शर्त पे बैठना ऊंट पे, मतलब ऊंट नाव की जगह यमुना जा में संगम में चलना चाहिए। हाँ तो ऐसा है, जब हम लगाए दी नीचे नाव, नाव में बिठाए दी ऊंट पे, हम बैठे हैं कि ऊंट पे बैठो। अतुल भैया वगैरह में नहाऊ चाहे ना नहाऊ पर ऊंट पे जरूर बैठना, ऊंट चलेगा संगम में, संगम में अगर नाम में बिठाए दी ऊँटे, ऊँटे नाम में बिठाए दी हो। ये देखो कितनी बस खड़ी है यहाँ पर, लोग दूर दूर से संगम नहाने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए जिस बस में हम आए हैं ये वो वाली बस है, ये खड़ी हुई है। चलो फिर तो मेन चीज देखे तो है पीछे थे। तुम तो ले दही, दही तो ले पीछे, हाँ दही तो ले, दही लूंगो, हाँ पीछे दही लो, फिर ले ले दही लो। जोड़ी काम कर जैसे कुली ने बचने आ रहा, सारी दुनिया का सारी दुनिया का दही हम ले जाते हैं। पी रहे हो भैया दही? तुम्हें दही की जरूरत है? तू ना पी रहो, चलो दही पियोगे? ए इधर तो देख लो जाम का है वो। अरे मैं पर काम है कर रहा हूँ यार। तुम कहा पीने दही? दही स्वादिष्ट। दही पियोगे? दही पी ले। अतुल भैया ने बहुत हंसी आ रही है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ दही पियेंगे, अतुल भैया दही पियोगे? अगला आदमी कह के कि वे करो दही, क्या मैं कहे दही? वे कह रहे मैं दही का एजेंट हूँ, कह रहे दही का एजेंट हूँ। अतुल भैया दही पी ले हो? ना मैं पी रहा हूँ, तो पीने तो बता करें शुरुआत। हाँ कर दो शुरुआत, वीडियो शुरू कर दो। यहाँ पर जगह जगह पर ऊँट आपको घूमते हुए दिखाई देंगे और ऊँटों पर लोग जहाँ से दूर दूर से आते हैं वो लोग अपने वीडियो बनाते हैं। अतुल भैया दही पियोगे? ऊंट पे बैठोगे? अभी हमको नाव में बैठना है, अतुल भैया पीछे वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए गए हैं। आ जाओ आगे, वो आगे गए आगे, तो ले गया पहला अभी कहा नहीं अतका, ये ठेकेदार अतका है, ठेकेदार कर रहे हो ना हो गया
कितना हो गया इसमें? सच में बोल रहे हो ना? हमारी बात सुनने का, एक ही जगह नाव नहीं लेकेगा, इतना भीड़ में है, ठीक है, अपना अपना ना अलग अलग नाव लगेगा वहाँ पे, आपका अलग अलग, सभी लोग एक ही है ना, ये लोग वहाँ पे अलग अलग नाव लगेगी, वहाँ पे ये ना कहना कि एक ही जगह लगा दो। तो आप वहीं पे रुको रहोगे ना जब तक? हाँ हम वहीं रहेंगे, ये मत कहना बाद में कि हमको एक ही जगह लगा दो, इतने भीड़ भाड़ है वहाँ पे अलग अलग। ये कह रहे हैं कि अलग अलग नाव लगेंगी, ये जैसे यहाँ से तो साथ ही जा रहे हैं सब, वहाँ अलग अलग हो जाएंगी, यहाँ से साथ ही जा रहे हैं सब। आज की आनंद की हमारे तरफ से आप लोगों की जय। अभी नहीं, वहीं पे करो, यहाँ पे नहीं। यहाँ तीन माता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों को माँ का नारियल लेके डाल के स्नान करने का, ये तीर्थों पर राजा प्रयागराज है। हाँ जिसको नहीं पता रहता वो यहाँ मिल जाता है, जिसको पता रहता मार्केट से लेके आता है। तीन नारियल देता मैं, ये 100 रुपए का तीनों श्रृंगार माँ का, दूध फूल नारियल अक्षत कुमकुम उसी में, सभी चीज रहता उसी में। हाँ मिल जाएगा। यहाँ पे गुस्सा, मुंह माया, छल कपट नहीं करना चाहिए, न क्रोध करना चाहिए। माँ जी कहते ना, ये जिंदों को भी तारती है, मुर्दों को भी तारती है। हाँ। सभी लोग आ रहे, बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो नारियल बेटा, हाथ अंदर करो, हाथ अंदर करे रहना, बाहर नहीं करना, नाम पे लग जाएगा तो देव, जल्दी करो, ले मैया जिसको लेना है फटाफट पकड़ते जाओ, तीनों हाथ से जटिल छोड़ो, नारियल छोड़ो, ये लो, गंगा जमुना सरस्वती में जाएगा प्रेम को लेना, बीत पाएगा दूध वाला, क्या 20 रुपया हाथ होगा दूध वाले देने का, नाना कहाँ पर, और कोई है? जाइए जाइए, तो पानी है, आप तो दाल पाड़ी हो जाएगी।
अभी मैंने संगम में स्नान कर लिया है और इस जगह पे जो मैं खड़ा हुआ हूँ ये संगम है। इधर से गंगा मैया आ रही है और इधर से यमुना मैया आ रही है और जो सरस्वती माँ है वो नीचे होकर के आ रही है। तो आप देख रहे होंगे इस जगह पर तीनों माताओं का मिलन है तो इसी को बोलते हैं संगम। यहाँ पे ये देख रहे होंगे नावों की लाइन लगी हुई है। ये देखिए जितने भी आप श्रद्धालु देख रहे हैं ये सभी लोग नहा रहे हैं। मैंने भी स्नान कर लिया है और अभी मैं यहाँ से वापस अपने बस के पास ही जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। ये वाली नाव है अपनी जिसमें हम आए थे और अभी हमको इसमें वापस बैठना है। तो मैंने संगम में स्नान कर लिया है और अभी इस नाव में मैं बैठूँगा। ये देखिए कितनी नाव खड़ी हुई है यहाँ पर। सभी लोग संगम में स्नान करने के लिए आए हैं। ना हमारे यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, हम तुम्हें खिलाएंगे। और हमारे ब्रज में आना सभी जगहों के दर्शन करने के लिए। आज राय जी सब पानी की नाव है बोट नीचे पूल लगा रखे खाली कार्टून। तो दस हमारे जहाँ में है गए जो 200-250 जाएंगे ना जी। हमारी जो बस है ना वो वहाँ पे खड़ी हुई है देख रहे होंगे ये वाली। और ये है अकबर का किला। हाँ ओए 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 डायरेक्शन चेंज कर दी ये नाव इसमें टच हो गई तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ये देखो चार तरफ नाव ही नाव है। वहाँ आगे संगम है, यहाँ से यमुना नदी आ रही है, उधर से गंगा माता की आ रही है, यहाँ से यमुना, उधर से गंगा, बीच में तीनों को मिला करके संगम मिल रहा है। जय गंगे माँ। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ घाट पर। इसको किला घाट बोलते हैं इस जगह पर। ये जितना भी है ना ये किला घाट है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है आगे। तो फाइनली दोस्तों अब मैं संगम से नहा करके और अपनी बस के पास आ गया हूँ। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर बन रहा है सूजी का हलवा। यो बता दो काका बना रहे हो? हाँ देसी घी का हलवा, खस्ता कचौड़ी और सब्जी, आलू की, आलू टमाटर की। ये देखो पूरी सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। ये हमारे कंडक्टर साहब है, ये देखो, और ठाकुर साहब, ये देखो कच्छली पे हाथ मार रहा सूदो। ये हमारे ड्राइवर साहब पूरे पूरे तीर्थ यात्रा में इन्हीं का योगदान है। यार सब एक देखे बढ़िया का चोटिया दम में लेंगे देखे बढ़िया का चोटिया दम में लेंगे देखे जब करो तो ना जरा मेरो ये बोल ले लियो हाथ में। अरे तुम यूट्यूबर है रे का हम डालूंगा वहां पे भाई। चलो ले जाओ, आप जाओ ले, बच जाओ अपना।
गर्म बहुत है, गर्म है एकदम, दोनों चीज गर्म है, सब्जी और कचौरी दोनों। तुम दही ना ले, चाय तो पी के आया हूँ पहले, वही तो पेट भर रहे हो, क्या खा रहे हो? मस्त है भैया, बेड़े में पूरी बहुत स्वादिष्ट, गरम गरम आलू की सब्जी और सही में बहुत स्वादिष्ट है, पसीना तैर है अब खाए भी हूँ, पसीना नहीं तू गरम गरम। तो फाइनली दोस्तों मैंने नाश्ता कर लिया है, अभी और लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं नाश्ता करके बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, धूप बहुत तेज है, तो यहाँ से नाश्ता करने के बाद फिर हम निकलेंगे चित्रकूट के लिए, तो चित्रकूट की जो वीडियो है वो अलग से आएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, तो मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।